वहाँ उसको रिंग को पकड़ देती है। नीरू नीरू ले दे, मम्मी आएगी, मम्मी नीरू बेटा हाथ डाल दे। करीब 17 से 18 घंटे गुजर गए, उसके बावजूद जैसे सफलता से किस तरह का महसूस किया, किस तरह की समस्या आई, क्या क्या? इसमें समस्या ये थी कि ये 600 फीट का बोरवेल था, हमने नीचे एल लगा रखा था और बच्ची जो है 28 फीट पर फंसी हुई थी। अब उसमें 12 फीट का केसिंग थी और नीचे बिना केसिंग का था बाकी एरिया, तो केसिंग होने की वजह से हम उसमें बड़ी रिंग नहीं डाल पा रहे थे, छोटी रिंग से उसका हाथ लॉक नहीं हो पा रहा था और बड़ी रिंग से उसकी डाल नहीं पाने की वजह से हम जो है उसको लॉक नहीं कर पा रहे थे। हमने उसके साथ ही क्या किया था कि इसकी पैरलर जो है अप्रोच स्टार्ट कर दिया था, तो हमने पैरलर में 28 फिट पे उसके पैर थे तो हमने 31 फिट की खुदाई की और उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच की 20 फिट दूर से, और हमने जो है 21वें फिट पे जो है उसके पैर के नीचे बिल्कुल सैंडल के वहाँ पे जाके अप्रोच किया और पहली बार में हमने सफलता प्राप्त कर ली। उसमें कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि वो कंटिन्यू जो है हम सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए जो है बीच में कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे कि बच्ची की जान को कोई खतरा हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है पहली बार में अचीवमेंट प्राप्त कर ली। बरसात का भी बोध इसमें बीच बीच में बरसात आती रही लेकिन सभी ने धैर्य रखा और बाकी बंदोबस्त करते रहे बरसात के संबंध में। यदि ज़्यादा बरसात आती है तो हमने तिरपाल भी मंगवा लिया था जिससे कि ये पानी ना भर जाए और हमारी खुदाई ना रुक जाए। कितने बंदे ऑपरेशन के अंदर इंजर्ड थे? हमारे NDRF के 30 आदमी थे और SDRF के 10 आदमी थे इस अभियान में जो है। बहुत ही अविरल सफलता रही है पूरी टीम के लिए, जिसमें कि हमारी SDRF की टीम, NDRF की टीम, हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिसमें हर एक विभाग ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया और पूरी मशक्कत और पूरे प्रयास के बाद में लगभग 16-17 घंटे का ये अभियान चला और हम बच्ची को सुरक्षित, माता पिता को सपोर्ट कर पाए, ये हमारे लिए एक अहम उपलब्धि रहेगी। धन्यवाद। हम भी इस मौके पर बधाई देना चाहिए कि जो आपकी मेहनत है वो फल निकला है, पॉजिटिव फल निकला है। हमारे सामने जिला कलेक्टर संदीप भी है।